ना तो सीता सोरेन की आंखों से आंसू रुकने का नाम ले रहे हैं और ना ही झारखंड की सियासत। लेकिन 72 घंटे बाद भी आपत्तिजनक टिप्पणी पर अगर कोई जुबान खामोश है तो वो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। हेमंत सरकार में मंत्री और कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी ने कुछ ऐसी बातें कही जिन पर माहौल गर्म है। बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है, इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो सातिर से जी जाता है उसको हाईजैक कर लेती है। इरफान अंसारी ने किसी का नाम भले ही ना लिया हो लेकिन इशारों इशारों में जिसके लिए ये विवादित शब्द इस्तेमाल किए वो सब समझ गए। एक झारखंड सरकार का मंत्री ने जो सब व्यवहार किया है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, डिमांड करूंगा कि इरफान अंसारी को मंत्री सभा से बर्खास्त किया जाए। इरफान अंसारी कांग्रेस के नेता हैं, इसीलिए सवाल कांग्रेस के पास भी पहुंचा। पार्टी के भीतर का आदमी हो, पार्टी के बाहर का आदमी हो, राजनीतिक हो गैर राजनीतिक हो, हम पूरी तरह से इसकी निंदा, इसका विरोध और इस पे कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। एक महिला को लेकर कहे गए विवादित शब्दों की हर कोई हर्षरा कर रहा है सिवाय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के। हेमंत सोरेन का जवाब भले ना आया हो लेकिन इरफान अंसारी की सफाई आ चुकी है। वीडियो क्रॉपिंग क्या हुआ? वीडियो है, हमने आपको कुछ नहीं कहा है। मैंने तो पूर्व प्रत्याशी को कहा ये बात है। आप कहां से बीच में घुस रही हैं? क्यों घुस रही हैं बीच में? जनता माफ नहीं करी, भगवान देख रहा है, माँ चंचला देख रही है आपको। मीडिया के कैमरे पर आकर फूट फूट कर रोने वाली सीता सोरेन हेमंत सोरेन की भाभी है। ये बात अलग है कि अब वो बीजेपी में है।